हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम ए न्यू वीडियो में। तो वीडियो में आ गए हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, और वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को शेयर करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन पर जरूर से क्लिक कर देना, ताकि आगे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड अमेजिंग वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं गोल्डफिश के कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर इस वीडियो के बाद आपको एक और भी गोल्डफिश पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो मैं उस पर भी बना लूँगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो भी कैसे लगी उसके बारे में भी कमेंट करना। बिना टाइम वेस्ट किए आपने तो वीडियो स्टार्ट ही किए, स्टार्ट करना है टॉपिक, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, अगर आप गोल्डफिश रख रहे हैं, आप बिगिनर हो, तो आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि जो कोई का फिश है और जो गोल्डफिश है, वो उन दोनों का पैटर्न्स कभी कभी कोई कार्प का पैटर्न सेम मिलता रहता है, आपने यही नोटिस किया होगा। तो मैं बता देता हूँ, जो कोई कार्प फिश है वो गोल्डफिश की पूर्वज है। जैसे कि पहले जापान चाइना में कोई कार्प फिश रखी जाती थी, तो फिर धीरे धीरे जो ब्रीडर्स थे, धीरे धीरे ब्रीड कोई कार्प को करवाते करवाते फिर गोल्डफिश बन गई। गोल्डफिश के नए नए पैटर्न्स भी आए, फिर और भी ब्रीड हुई, तो इम्पोर्टेंट गोल्डफिश बनी, लोकल गोल्डफिश बनी, और भी कई तरह की गोल्डफिशेज बनी। इसलिए यही रीज़न है कि कोई कार्प और जो गोल्डफिश है, दोनों के दोनों मेल खाते हैं, और आप गोल्डफिश को कोई कार्प फिश के साथ रख भी सकते हो, पर दोनों का साइज सेम होना चाहिए। नंबर टू, फ्रेंड्स, अगर आप गोल्डफिश रख रहे हो, आपका न्यू टैंक है, तो जैसे कि आपको थर्मामीटर के बारे में पता नहीं रहता है कुछ, तो आपने थर्मामीटर नहीं रखा है, तो भी गोल्डफिश सर्वाइव कर जाती है। तो जैसे कि टेम्परेचर नॉर्मली रहता है 26 एंड 28, तो जो गोल्डफिश का टेम्परेचर है वो 26 एंड 28 है। अगर 30 तक भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 30 तक ना ही हो तो ही अच्छा है, क्योंकि जो गोल्डफिश है फ्रेंड्स, वो कोल्ड वाटर की फिश है, वो हॉट वाटर में ज़्यादा नहीं रह पाएगी। इसलिए जब भी आप गोल्डफिश लें, तो कोई भी फिशेस लें, अपने टैंक में थर्मामीटर ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि थर्मामीटर जो होता है वो एक्चुअल टेम्परेचर बताता है कि अपने टैंक का कैसा है टेम्परेचर। तो ये ज़रूर जल्दी कीजिए, क्योंकि मैंने भी पहले थर्मामीटर नहीं रखा था, तो मेरी भी कई सारी फिशेस मरी थी। अब मेरे को टेम्परेचर पता चलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं फिशेस को रखता हूँ। नंबर थ्री, तो गाइस, आपने कई बार देखा होगा कोई लोग पॉन्ड में कार्प फिश रखते हैं, फिर गोल्ड फिश, तो हाथों से खाना खिलाते हैं, जो पैलेट्स होते हैं उन्हें हाथों से खिलाते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो अपने एक्वेरियम में। कैसे? आप जैसे कि ये मेरी वीडियो में देख सकते हो, मेरी ये जो रेड कैप फिश है, ये कैसे ये मेरे उंगली से पैलेट्स खा रही है। तो ऐसे आप भी आदत कर सकते हो, पर अगर आप नॉर्मली ऐसे पानी में डाल देते हो पैलेट्स, गोल्डफिश को आपको लाए हुए 2 महीने हो गए, हम नॉर्मली डाले रहे हो, तो तब मुश्किल होगी ये आदत बनाने में, तब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर आप आज ही गोल्डफिश खरीद के लाए हो, तो फिर कल से उसकी आदत ये पकड़ा रहे हो हैंड फीडिंग वाली, तब ये जल्दी आदत हो जाएगी आपको, आपके लिए इजी हो जाएगा ये आदत पकड़ाना, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो ऐसे ही आप हैंड फीडिंग दे सकते हो, तो जो भी रहेगा तो बोलेगा यार बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग। तो फ्रेंड्स, नंबर फोर, तो फ्रेंड्स, टैंक साइज़, जो गोल्डफिश रखते हैं लोग, टैंक साइज क्या होना चाहिए? कई लोग रखते हैं 1 फीट में, नहीं तो बाउल में रख देते हैं। बहुत ही बड़ी मिस्टेक है बाउल में रखने का, क्योंकि देखो बाउल में कहीं ऑक्सीजन आने का एयर आने का एरिया नहीं होता है। बाई चांस लाइट वाइट अगर कट जाए, तो फिर कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम काम नहीं करता, तो फिर तब तो मुश्किल हो जाएगी, कहीं से एयर पास नहीं होगा। तो मैक्सिमम टैंक साइज गोल्डफिश का 2 फीट होना ही चाहिए। आप सोचते हो कि शुरू शुरू में छोटा टैंक ले लेता हूँ, कम केयर लगेगी, पर छोटे टैंक में ही ज़्यादा केयर लगती है, इसलिए आप बड़ा ही टैंक लीजिए, और गोल्डफिश का जो टैंक साइज है वो 3 फीट तो रखिए। फ्रेंड्स, नंबर फिफ्थ पर है, तो फ्रेंड्स नंबर फिफ्थ पर है, ये मैंने एक जने को देखा था, मैं जब एक्वेरियम शॉप में गया था खुद फिशेस परचेज करने के लिए, तो एक जने को देखा था, तब मैं बोल रहा हूँ, आप कभी भी फिशेस खरीदे तो उसे देख करके खरीदिए, और जब भी पैसे ले जाइए थोड़ा ज़्यादा ही करके ले जाइए पैसे, क्योंकि तब प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं बता देता हूँ क्या मिस्टेक होती है, कई लोग वाइट स्पॉट, ब्लैक स्पॉट या फिर फिन रॉड्स हुए रहते हैं फिशेस को, तो ऐसे ऐसे फिशेस परचेज कर लेते हैं, फिर 2 दिन बाद वो मर जाती है, तो फिर बोलते हैं ये तो मेरे पैसे गए, ये फिश सही नहीं थी, अब मैं एक्वेरियम नहीं रखूँगा, मैं फिशेस नहीं पालूँगा। तो ऐसी जो धारणा है आपके मन में, ये मिटा दो। आप पहले फिशेस को अच्छे से रखो, फिशेस को अच्छे से लाओ, जो फिशेस ज़्यादा चुलबुली है, कोई बीमारी नहीं है, तब उस फिशेस को लो 10-15 मिनट, कोई भी हर एक फिश को
एकदम एकदम देखते रहो वो फिशेस कैसी है, उसके बॉडी पे तो कोई बीमारी इन्फेक्शन नहीं है, तब जाके उस फिशेस को परचेज करिए फ्रेंड्स, क्योंकि मुझसे भी कई बार मिस्टेक हो चुकी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो गाइज कैसी लगी वीडियो आज की, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर देना, और एक और बात कह देता हूँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अगर इसके आगे भी एक और अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए आपको, फुल इन्फॉर्मेशन वाली, तो भी कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो। और मेरी जो गोल्ड फिश, हाउ टू फीड क्यूकम्बर गोल्ड फिश वाली वीडियो है, वो वाली ज़रूर देख लीजिएगा। आप अपने गोल्ड फिश को अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं या फिर कलर अच्छा करना चाहते हैं, तो क्यूकम्बर या फिर वेजिटेबल्स ज़रूर खिलाएँ। एंड वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। ऐसी है अमेजिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।